लीग है और मेरे ख्याल से अगले सीजन से ये लोग प्रोफेशनल सेमी प्रोफेशनल प्लेयर्स भी लेके आना चाह रहे हैं इस लीग पे, और अभी एक सॉर्ट ऑफ फुटबॉल सोसाइटी भी बन चुकी है एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक है बिकॉज अभी इतनी सारी फैसिलिटीज़ है तो लीग की बहुत ज़रूरत है. ISL भी है, बॉलीवुड के काफ़ी सेलिब्रिटी भी जुड़े हैं. जी बिल्कुल, खेलने आते हैं. जी बिल्कुल, हफ्ते में एक दिन टाइम मिलता होगा मुश्किल से लोगों को. मुश्किल से टाइम मिलता है मगर जब आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो पता चल जाएगा कि ये इसमें अगर पता चल जाएगा कि मैच है तो मतलब आप सारी मीटिंग्स बंद करेंगे, सारी जो काम है आपका सब बंद करके आके खेलेंगे आप. तो ये स्पोर्ट्स का अगर किसी के पास इतना शौक है स्पोर्ट्स की तरफ तो यही होगा. फिटनेस के लिए मैं मानता हूँ कि ये सबसे बेस्ट है. मैं सबसे बेस्ट है. जिम बहुत बोरिंग है मेरे लिए, मैं बहुत बोरिंग है, इसलिए मैं हफ्ते में 4 बार खेलता हूँ, लीन रहता हूँ. अगर बाई चांस किसी कोई फिल्म की ज़रूरत है जिसमें आप बॉडी बिल्डिंग करना है तो मैं और ध्यान दूंगा इस पर और कम स्पोर्ट्स खेलेंगे, मगर इस पर जो मज़ा मिलता है, जो फोकस मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता. फेवरेट बहुत सारे हैं यार, मतलब पहले से लेके मैराडोना से लेके रोनाल्डो, रोनाल्डिनियो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, बहुत सारे सारे बहुत अच्छे हैं. इतने टैलेंटेड फुटबॉलर्स हैं आजकल, मतलब हर साल एक कोई नया जवान फुटबॉलर आता है जो मतलब कमाल करते हैं फील्ड पे. सो देयर लॉट्स ऑफ गुड टैलेंट. थैंक यू सो मच.